महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार और बेटियों तथा नन्ही बच्चियों पर अनाचार की वारदातों के खिलाफ महिला कांग्रेस ने खोला मोर्चा, पुतना फूंक दर्ज कराया विरोध। मध्य प्रदेश लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ के निश्चितकालीन हड़ताल जारी, कर्मचारियों ने निकाली विशाल रैली, सौंपा ज्ञापन। माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षाओं के शुल्क को घटाने की मांग, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। और नमः शिवाय मंत्रों से गूंजे शिवालय, श्री राम मंदिर में पवित्र नर्मदा जल से हुआ सहस्त्रधारा रुद्राभिषेक। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। दिनभर की तमाम खबरें लिए आपके साथ मैं शुक्ला। शुरुआत करते हैं खबरों की। प्रदेश में महिलाओं पर लगातार बढ़ते अत्याचार और दुराचार के मामलों को लेकर जिला महिला कांग्रेस द्वारा आज राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए जमकर प्रदर्शन किया गया। जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष सतवंत कौर के नेतृत्व में बड़ी संख्या में फवारा चौक पहुंचकर महिलाओं ने सीएम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पुतला दहन का विरोध प्रदर्शन किया। देश और प्रदेश में महिलाओं, बेटियों और नाबालिग बच्चियों पर लगातार बढ़ते अत्याचार और दुराचार की घटनाओं पर रोक लगाने में पूरी तरह असफल होने का आरोप भाजपा ने सरकार पर लगाते हुए जिला महिला कांग्रेस ने केंद्र एवं राज्य सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया। विरोध प्रदर्शन के दौरान जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष सतवंत कौर, प्रदेश महासचिव कामिनी शाह और नगर महिला कांग्रेस अध्यक्ष माया पटेल सहित जिला एवं नगर महिला कांग्रेस की पदाधिकारी, सदस्य और बड़ी संख्या में शहर की संभ्रांत महिलाएं भी मौजूद थी। बच्चियों के साथ लगातार मध्य प्रदेश में दुष्कर्म हो रहे हैं। पिछले दिनों बिछुआ से बच्ची को पकड़ के ले गए सरेआम और उसके साथ में गलत काम करके उसको छोड़ दिया। बच्ची त्राही त्राही करती रही, माँ बाप परेशान हो रहे हैं। पूरा छिंदवाड़ा जिला, जो कि शांति के लिए और अमन के लिए पहचाना जाता था, वहाँ पर क्राइम बढ़ रहा है। पूरे मध्य प्रदेश में जो महिलाओं के साथ और बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है, उसके विरोध में न सिर्फ छिंदवाड़ा में बल्कि पूरे प्रदेश में महिलाएं आंदोलित हैं। और आने वाले समय में अगर शिवराज सिंह चौहान नहीं जागेंगे तो उनको सत्ता से नीचे उखाड़ फेंकने का जिम्मा महिलाओं ने लिया है। और पूरी पब्लिक से हम आवेदन करते हैं, निवेदन करते हैं कि वो इन बच्चियों के साथ जो दुष्कर्म हो रहे हैं उनमें कांग्रेस के साथ आकर के आंदोलन को और तेज करें। बढ़ते महिलाओं पर अत्याचार और बलात्कार की घटनाओं को लेकर आज नगर महिला कांग्रेस, जिला महिला कांग्रेस, समस्त महिला कांग्रेस ने आज रोड पर प्रदर्शन करते हुए शिवराज सिंह का पुतला दहन किया है। उसके खिलाफ में कर रहे हैं हम लोग। मामा जी,
माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षाओं के शुल्क को घटाए जाने की मांग को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों एवं नेताओं के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर उत्कृष्ट विद्यालय तथा एमएलबी स्कूल के बच्चों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन प्रशासन को सौंपा। भारतीय परिषद द्वारा माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड की जो परीक्षा फीस है 10वीं और 12वीं की, जो विगत वर्ष में 525 रुपए ली जा रही थी, वो बढ़ा करके 925 रुपए कर दी गई है, जिसको कम करवाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से विद्यार्थी परिषद के माध्यम से पोस्ट कार्ड के द्वारा लेटर भी भेजे गए और हम लोग एक ज्ञापन के माध्यम से अपनी समस्या बताना चाह रहे हैं कि जो शासकीय विद्यालय में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी आर्थिक स्थिति सक्षम नहीं है, जिसके वजह से वो अपनी फीस पे नहीं कर पा रहे हैं। अतः माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि वो इस फीस को पुनः 525 रुपए करने का कष्ट करें, जिससे छात्र अपनी एग्जाम फीस भर सके। यहाँ पे माध्यमिक शिक्षा मंडल से रिलेटेड जितने भी संस्थाएं हैं, वहाँ सभी संस्थाओं से अपने बीच में छात्र उपलब्ध हैं। अधिकतर संख्या में एमएलबी और उत्कृष्ट विद्यालय यहाँ जो पास में पढ़ते हैं वहाँ के छात्र बहुत संख्या में है, बाकी सभी विद्यालयों से विद्यार्थी अपने साथ आज उपलब्ध है। मध्य प्रदेश शासकीय लिपिक वर्गीय कर्मचारी संघ लगातार अपनी मांगों को लेकर संघर्षरत है। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे लिपिक वर्गीय कर्मचारियों ने आज प्रदर्शन रैली निकाली और कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम अपनी मांगों का ज्ञापन प्रशासन को सौंपा। दूर करो, दूर करो, दूर करो, दूर करो, दूर करो।
दिल्ली टक्कर में मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत सेवारत लिपिक वर्गीय कर्मचारियों की मांगों वेतन विसंगतियों पर विचार करने हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं के पालन में मध्य प्रदेश शासन समान प्रशासन विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक 1-5-9/2015/1-15 लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ प्रांतीय निकाय के तत्वाधान में प्रदेश के संपूर्ण 57 विभागों के लिपिक दिनांक 23 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। छिंदवाड़ा जिले के भी संपूर्ण जिले के लिपिक 23 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए हैं। हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय मुख्य सचिव महोदय से यही मांग है कि शर्मा कमेटी ने जो हमारी 23 बिंदुओं पर अनुशंसाएं की है, जो कि आईएएस उप कमेटी द्वारा भी अनुमोदित है, उस मांगों पर शासन शीघ्र शासन आदेश प्रसारित करे। विगत 25-30 वर्षों से लिपिक संघों को शासन द्वारा उपेक्षित किया गया है, उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अन्य सभी 46 सवर्गों की वेतन विसंगति ग्रेड पे शासन द्वारा दूर की गई है। तीन लिपिकों की ग्रेड पे ना तो सुधारी गई है, ना तो उनको ग्रेड पे का लाभ दिया गया है। इसके अतिरिक्त हमारी 1481 से भी जो मांगे लंबित चल रही है, वो मांगों पे वो भी शासन ने पूर्ण नहीं किया गया है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मुख्य सचिव महोदय से निवेदन करते हैं कि लिपिकों की समस्याओं को देखते हुए, लिपिकों की कम वेतन को देखते हुए हमारी मांगों पर शीघ्र शासन आदेश प्रसारित करे। इस स्तर के अधिकारी यह मानते हैं कि लिपिकों के पास कोई काम नहीं है, इसलिए इनका वेतन बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं। हम उनको आगाह करना चाहते हैं, हम उनको बताना चाहते हैं कि महोदय सबसे ज्यादा काम लिपिक करता है। आज की स्थिति में एक एक लिपिक के पास 10-10 लिपिकों का काम है और वो पूरी ईमानदारी से कर रहा है, लेकिन शासन हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दे रहा। हम माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय मुख्य सचिव महोदय जी से अनुरोध करते हैं कि हमारी लंबित मांगों को पूर्ण करे, हमारी मांगों को कैबिनेट में लाए और इसी अनिश्चितकालीन हड़ताल अवधि में इस मांगों को पूर्ण करे। जब तक हमको शासन आदेश नहीं मिलता और हमारी मांगे पूर्ण नहीं होगी, हम हड़ताल पर बने रहेंगे। कोई भी साथी ऑफिस नहीं जाएगा जब तक हमको लिखित आदेश नहीं मिलता। धन्यवाद। चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा मेडिकल कॉलेज के डीन के पद पर डॉक्टर तकी रजा ने आज विधिवत पदभार ग्रहण किया। ज्वाइनिंग के तुरंत बाद उन्होंने नवागत चिकित्सकों की बैठक ली और जरूरी दिशा निर्देश प्रदान किए। एसआर की हम लोग को सीनियर रेजिडेंट्स की जरूरत है, वो भी 1-2 महीने में नियुक्ति और की हो जाएगी।
पाँच की हमारे जो कमी है तीन महीने में उसे उम्मीद है कि वो भी हमारे पूरी हो जाएगी। तो इसमें बाकी जो मेडिकल कॉलेज की जो बिल्डिंग बन रही है वो भी काफ़ी हद तक का एलओपी के हिसाब से पूरी हो गई है। इक्विपमेंट का हमने पहले ऑर्डर कर लिया है, फर्नीचर का ऑर्डर कर लिया है, एक माह के अंदर इक्विपमेंट और फर्नीचर आने की उम्मीद है, वो लग जाएगी। पूरा सुसज्जित हमारा अस्पताल हमारा मेडिकल कॉलेज की जो बिल्डिंग है सुसज्जित हो जाएगी। पहले की डिपार्टमेंट जो है एनाटॉमी फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री इसमें पूरा के पूरा जो इक्विपमेंट लगने का फर्नीचर लगने का वो सब पूरा हो जाएगा। तो हमें बहुत उम्मीद है कि पहले ही एलओपी में हम लोग को अपने ऐसे अच्छी ऐसे पास हो जाए। 19-20 के लिए है, अगले वर्ष के जो है 19-20 का जो सत्र है तब से एलओपी मिलने का है, इस वर्ष से नहीं अगले साल से, क्योंकि 19 में बच्चे यहाँ पर एडमिट होकर आए। जिला अस्पताल में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को मरीजों की सुविधा के लिए शुरू किया गया था, लेकिन ऑनलाइन पर्ची बनवाने में मरीजों को खासी दिक्कतें पेश आ रही हैं। जिला अस्पताल में सुबह से लाइन में लगने के बावजूद नंबर आते आते दोपहर हो जाती है और कई बार तो इलाज का नंबर दूसरे दिन आता है। हेलो, हाँ जी, कब से आए हो यहाँ? हम लोगों को हो गया एक डेढ़ घंटा। कितने बजे से? हमको डेढ़ घंटा हो चुका है। क्या समस्या है, क्या दिक्कत? बस लाइन इसी तरीके रोज लग रही है हमेशा, और मेरी प्रशासन से ये मांग है कि इसकी व्यवस्था की जाए। मैडम स्टोर वाली बोल ये हमेशा काल है, कई लोग तो वो अंदर से बंद और विकलांग लोगों की भी एक अलग से लाइन, स्लिप बन के आ रही है इमरजेंसी, वृद्ध और विकलांग लोगों के लिए एक अलग से सुविधा दिया जाए, और जो अलग से व्यक्ति है जो कहना चाहिए इमरजेंसी केस, उन लोगों को ऐसी सुविधा मिलना चाहिए। बस प्रशासन से इतनी विनती है। रहा एक बजे तक डॉक्टर उठ जाएंगे अभी? हाँ, डॉक्टर उठ जाएंगे, फिर घर जाना पड़ेगा, जो जहाँ से आए किराया लगा के वापस आएंगे। तो कल होगा इलाज? हाँ वो कल होगा, कल फिर किराया लगा के आएंगे। लाइन मिली गांव से आने में लेट हो जाते हैं। यदि मरीज गंभीर है तो? मरीज गंभीर है तो चला जाएगा, उसमें क्या। सोमवार को 30 तारीख को आकर यहाँ पर अधिष्ठाता मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा का पद ग्रहण कर रहा हूँ, और इसके साथ साथ हमारे को तैयारी करना है कि अपने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का इंस्पेक्शन होने वाला है अगस्त या सितंबर या अक्टूबर के पहले दूसरे सप्ताह में, ऐसा होने की उम्मीद है कभी भी, उसकी तैयारियां करना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए हमारा स्टाफ काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर स्टाफ की पूर्ति काफ़ी हो गई है, सिर्फ कुछ सीनियर रेजिडेंट्स की आवश्यकता है जो अगले महीने तक पूरी हो जाने की उम्मीद है। और उसके साथ साथ हमारा जो मेडिकल कॉलेज की जो बिल्डिंग है वो काफ़ी हद तक का तीन जो डिपार्टमेंट चाहिए होते हैं एलओपी के लिए, एनाटॉमी फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री, उसका पूरा तैयारी हो गई है। हमारे बाकी कैंपस भी बहुत अच्छा डेवलप हो गया है, एक दो माह के अंदर सितंबर के आखिरी तक हमारे पूरी तैयारी यहाँ पर एलओपी के हिसाब से हो जाएंगी। रेजिडेंशियल क्वार्टर्स भी अपना स्टाफ के लिए वो भी अपना बन के तैयार हो गए हैं, आखिरी फिनिश चल रहा है उसका भी, और साथ ही डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के भी अपना बनने की तैयारियाँ हैं। तीन ब्लॉक्स अभी बन रहे हैं और ऐसे 7 ब्लॉक बनने के हैं, तो दिसंबर तक का ये जो अपने 3 ब्लॉक बन रहे हैं उसमें 200 के आसपास पलंग उसमें और आ जाएंगे, जुड़ जाएंगे, और बाकी ओपीडी वगैरह भी आधी वहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगी। तो उसके दूसरे चरण में बाकी जो अपने 4 ब्लॉक्स हैं उनका काम शुरू होगा। जो उम्मीद है कि जून जुलाई तक का, अगले साल तक का अपना पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बन के तैयार हो जाए। तो ये हम लोग के अपना चेष्टा रहेगी कि जल्दी से जल्दी ये एलओपी के लिए तैयारी हो जाए, पूरी हो जाए, उसके मिलने के बाद हम लोग बाकी जो अपना बचे हैं कार्य वो उसमें शुरू कर दिए जाए। और साथ ही हमारे यहाँ पे पैथोलॉजी लैब जो है, ब्लड बैंक है, वहाँ का भी रिनोवेशन का कार्य इस महीने हमको करना शुरू करना बहुत ज़रूरी है, वो भी हम लोग करना शुरू करने वाले हैं उसका पूरा रिनोवेशन। ये है कि अभी जो ज़्यादा व्यवस्थाएँ अभी अपना ऐसा है कि स्टाफ अभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का भी है और स्टाफ अभी मेडिकल कॉलेज का भी है, इनके दोनों के बीच में जो समन्वय अपना होना चाहिए उसका अपना शुरू के एक दो महीने हैं, तो उसमें थोड़ा सा अपना कमी जैसे दिखती है, तो उसको हमको सुधारना है।
वो भी अपना एक महीने के अंदर अपना ऐसा लगता है कि अपना पूरा का पूरा जुड़ जाएगा। आपको जानकर खुशी होगी कि बहुत सारे ऐसे ऑपरेशंस थे जो अपने नहीं होते थे पहले, वो अपने हमारी टीम के आने से सब शुरू हो गए हैं। इतने अच्छे तो हो रहे हैं, सभी ENT वाले अच्छा कर रहे हैं, गायनोकोलॉजी वाले अच्छा कर रहे हैं, सर्जरी वाले अच्छा कर रहे हैं, हमारी एनेस्थेटिस्ट टीम बहुत अच्छी है। हमको तो उनके ऊपर गर्व होना चाहिए और मुझे तो पर्सनली बहुत गर्व है कि हमारे ये यंग बच्चे हैं और जो अपना असिस्टेंट प्रोफेसर हैं ज़्यादातर और एसोसिएट प्रोफेसर हैं और सब इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो अपना आने वाले दिन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए तो बहुत ही अच्छे हैं और इसको ये व्यवस्थाओं को और अपना एक आध महीने में पूरे हम चुस्त कर देंगे, ठीक है ना। ये बहुत अच्छे बहुत अच्छा काम शुरू हो गया, बहुत जल्दी शुरू हो गया है। हमारी जो अपना टीम यंग टीम है पूरे मध्य प्रदेश में, यहाँ के जो अपने ज्वाइन किए हैं और फैकल्टी वो सबसे यंग है, सबसे कम उम्र की अपना औसतन उम्र यहाँ पे 40 से कम है, तो अपना इतनी अच्छी टीम है और सब अपने अपना एक परिवार जैसे कार्य कर रहे हैं यहाँ पे पूरे के पूरे। तो मुझे तो उम्मीद है कि ये आप इनसे उम्मीद कर सकते हैं कि अपना ये बहुत अच्छा कार्य करेंगे, अगले 2-3 महीने में उसका आपको पूरा रिजल्ट सामने आएगा, ठीक है ना। जैसे नियुक्तियाँ हो जाएंगी तो और अच्छा कार्य होगा। यहाँ पे गायनेक डिपार्टमेंट, ENT डिपार्टमेंट, ऑफ्थेलमोलॉजी डिपार्टमेंट, अपना क्या बोलते हैं स्किन VD डिपार्टमेंट, कैंसर डिपार्टमेंट। स्किन वाला तो पहली बार है कि अपना यहाँ पे सौगात मिलेगी। स्किन स्पेशलिस्ट आपके पास है, एक बहुत अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट आपके पास है, एक बहुत अच्छा कैंसर स्पेशलिस्ट आपके पास है, तो ये सब सौगातें तो आ गई हैं और सबके क्लिनिक आपने सबके क्लिनिक आके हमारे संपर्क करें तो हम और सुधारने की कोशिश करेंगे, हमेशा इसके लिए तत्पर रहेंगे। जिला भाजपा कार्यालय डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी भवन में आज विधायक एवं पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह की अध्यक्षता में भाजपा पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के संबंध में चर्चा तथा संगठन के कार्यक्रम को लेकर विचार विमर्श किया गया। बैठक में विधायक एवं पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह ने केंद्र एवं राज्य सरकार की जन कल्याणकारी महत्वाकांक्षी योजनाओं के समुचित प्रचार प्रसार के लिए पदाधिकारियों को मार्गदर्शन प्रदान किया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को योजनाओं का लाभ दिलाया जा सके। राजनीतिक कार्यकर्ता को बड़ा बुजुर्ग होना चाहिए, हजार के बीच में बैठे तो फतेह करके बाहर निकले, यूं करने वाला नहीं हो रहा। अब आप सोचोगे दादाजी आप देखिए आज हमारी पार्टी का नारा क्या है, कूद जीता तो गोविंद पटेल बहुत एक ही बस्ती उतार में चुनाव आ रहा था। राजनीतिक कार्यकर्ता का व्यवहार बहुत अच्छा चाहिए, वहां ना मोदी चुनाव लड़ेंगे ना शिवराज सिंह चुनाव लड़ेगा ना गोगली चुनाव लड़ेगा ना चंद्रवान चुनाव लड़ेगा, चुनाव लड़ेगा गोविंद पटेल चुनाव लड़ेंगे। वहां पे वहां हम भैया चुनाव लड़ेंगे जो जिस गांव का है, आपको देखते आपका आचरण आपका व्यवहार आपकी कार्यवाही आपका संपर्क आपके बोलचाल आपकी सेवा को महत्वपूर्ण है। कोई बड़ा नेता चुनाव नहीं जीता था, मोदी जी काम बोल करते तो हम नहीं जीताते थे, विश्व स्तनपान सप्ताह के अंतर्गत कार्यक्रमों के सफल आयोजन के लिए कलेक्टर सभाकक्ष में आज जिला स्तरीय उन्मुखीकरण प्रशिक्षण प्रदान किया गया, जिसमें महिला बाल विकास अधिकारी ML मेहरा एवं महिला सशक्तिकरण अधिकारी मोनिका बिसेन ने जरूरी दिशा निर्देश और जानकारियां प्रदान की। हम उनके दिमाग में भरते हैं, इसलिए जरूरी है कि माँ को मोटिवेट करें, माँ को बताएं कि भाई बच्चे को 10 ml चाहिए, आप एक बार आप उसको स्तन से लगाओ, सबलिन कर ठीक से होगा, आप उसको देखो प्यार से, आप उसको सहलाओ, देखना ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, आप भी नॉर्मल हो जाओगे, आपका आप कॉन्सेंट्रेशन आपका अच्छा हो जाएगा और साथ ही साथ आपकी ब्रेस्ट से वूमिंग आने लगेगा ऑटोमेटिकली। यदि बात करें 6 से 8 माह तक के बच्चों को ऊपरी आवाज की तो यहाँ पर 46%, अब देखिए आपके डेटा जस्ट अपोजिट हो गए यहाँ पर। छह माह तक के बच्चों को केवल और केवल स्तनपान में 21.6 से 58.2% में आ गए, लेकिन 6 से 8 माह तक के बच्चों को ऊपरी आहार 46 से डाउन हो गया, डाउन 10 क्या समझ में आ रहा है? यस करेक्ट करेक्ट, मां की काउंसलिंग किए जाने की जरूरत है,
माँ को लगता है कि मेरा दूध सफिशियंट है बच्चे के लिए, जबकि 6 माह के बाद बच्चे को ऊपरी पोषक आहार की जरूरत होती है। यहाँ पर बहुत ध्यान दिए जाने की जरूरत है कि महिला बाल विकास विभाग का जो अन्नप्राशन योजना चल रही है, जिसमें हम बार बार बता रहे हैं, लेकिन महिला उसको क्या नहीं ले रही है, सीरियस नहीं ले रही है। तो उनको आपको बताना है कि 6 माह के बाद आपका दूध बच्चे के लिए पर्याप्त नहीं होता, उसको अतिरिक्त पोषक आहार की जरूरत होती है। और यही कारण है कि आपको जो मेनली मां नरिष्ठ बच्चे लिखेंगे वो 6 माह से ऊपर के ही होंगे। क्यों 6 माह के पहले नहीं होते? 6 माह के पहले का बच्चा बहुत कम दिखाई देगा कि एनआरसी में रेफरल के लायक है। 6 माह के बाद का बच्चा ही एनआरसी में रेफरल के लायक क्यों दिखाई देता है? कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार निर्वाचक नामावली के विशेष पुनरीक्षण के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 31 जुलाई से 21 अगस्त तक मतदान केंद्र में उपस्थित रहकर दावे आपत्तियां प्राप्त किए जाने हैं, जिसके लिए आज टाउन हॉल में बूथ लेवल ऑफिसर्स को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इस मौके पर तहसीलदार महेश अग्रवाल ने BLO एवं नायब तहसीलदार आकांक्षा चौरसिया ने जरूरी जानकारियां प्रदान की। अगर कहीं कोई व्यक्ति छूट रहा है तो मैं उसको मोटिवेट करके आकर के आपके पास देंगे, ठीक है। आपको जो आवेदन पत्र लेने हैं वह व्यक्ति शाह लेने हैं, एक एक व्यक्ति का वह स्वयं लाकर के देगा। यदि परिवार का मुखिया है और वह 4 आवेदन पत्र लाके इकट्ठे देता तो वह 4 आवेदन पत्र लेने हैं। पर किसी भी व्यक्ति से आपको 1 से अधिक आवेदन पत्र जो उससे संबंधित नहीं है वो नहीं लेंगे, ठीक है। तो हमारी कोशिश रहना चाहिए कि जो हमारे आवेदन पत्र आ रहे हैं वह विधिवत नियमानुसार और योग्य व्यक्ति जो है उसके माध्यम से आने चाहिए। एक परिवार के पूरे आवेदन पत्र एक साथ दिए जा सकते हैं, उसमें कोई बड़ा की बात नहीं। सब लोग आना जरूरी है, संध्या करके दस्तक दिए हैं, सब ने अपनी जानकारी भी लगाई है और मुखिया राकर के दे रहे हैं। इकट्ठे नाम कट गया है ना, पर आशीर्वाद छिड़ा है तो इकट्ठे नाम आएंगे उसके। तो ऐसी स्थिति में हमको देखिए, अब आपको जो महत्वपूर्ण जवाब करनी है महोदय, छिंदवाड़ा के निर्देशों के परिपालन में आज दिनांक 30/7/2018 को टाउन हॉल में BLO का प्रशिक्षण रखा गया है। चूँकि 31/7/18 से मतदाता सूची में दावे आपत्ति लिए जाएंगे और बाद में इसका प्रकाशन किया जाना है, इस हेतु आज BLO को विस्तृत प्रशिक्षण दिया जा रहा है और सामग्री भी दी जाएगी ताकि ये 31 से 21/8 तक दावे आपत्ति ले सकें। राजमाता सिंधिया कन्या महाविद्यालय में आज जिला पंचायत छिंदवाड़ा के तत्वावधान में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस मौके पर अनेक कंपनियों ने अपने स्टॉल लगाकर युवाओं को रोजगार संबंधी जानकारियां दी, साथ ही पंजीयन के पश्चात रोजगार हेतु साक्षात्कार भी लिए गए। और बैंक में नौकरी करने की इच्छुक है उनके लिए ICIC बैंक 19 नंबर काउंटर पे है, उनके लिए 19 नंबर काउंटर पे ICIC बैंक के प्रति बैठे हुए ग्रेजुएट साथियों के लिए सुनहरा मौका है 19 नंबर काउंटर पे अपना इंटरव्यू ले, क्योंकि ICIC बैंक के प्रति अपने बीच में 3:30 बजे तक है उसके ICIC बैंक के लिए। समय सीमा के लंबित पत्रों की समीक्षा बैठक लेकर कलेक्टर वेद प्रकाश ने विभाग प्रमुखों को जरूरी दिशा निर्देश प्रदान किए। लोक स्वास्थ्य में अलग से क्या है? एक और चार दिख रहा है क्या? तो
समाज सेवा के क्षेत्र में सतत सक्रिय विकास समिति द्वारा आज श्रवण बाधित निशक्त जनों को हेयरिंग एड्स दिलवाए गए। जिला अस्पताल के विकलांग पुनर्वास केंद्र के प्रशासनिक अधिकारी एवं समाज सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में 8 निशक्त जनों को हेयरिंग एड्स प्रदान कर उन्हें सही तरीके से प्रयोग करने की विधि भी बताई गई। नाम क्या है? नाम कहाँ रहते हो? क्या करते हो? कहाँ का काम करते हो? अब सुनाई आ रहा है? अच्छा आ रहा है सुनाई। आज DDRC छिंदवाड़ा में विकास समिति द्वारा जो समुदाय आधारित दिव्यांग पुनर्वास परियोजना संचालित की जा रही है, उसके अंतर्गत हम लोग 411 दिव्यांगों के साथ 25 गांवों में छिंदवाड़ा ब्लॉक में काम कर रहे हैं। उसी के अंतर्गत हम लोग 5 कंटेंट में काम करते हैं। पहला हेल्थ, दूसरा एजुकेशन, तीसरा सामाजिक सुरक्षा, चौथा आजीविका और पांचवा इनके एम्पावरमेंट के लिए काम करते हैं। आज हम लोगों ने उन गांव के 8 लोगों को लाकर यहाँ पर DDRC की मदद से उन्हें श्रवण यंत्र दिलाया है। अब इन दिव्यांग लोगों को श्रवण यंत्र मिल जाते हैं तो ये लोग अच्छे से आवाज़ सुन सकेंगे और अच्छे से काम कर सकेंगे और समाज में एक मुख्य धारा में जुड़कर ये लोग अच्छे से काम कर सकेंगे। इसके लिए चंद्रवंशी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। उनका सहयोग हमें कोई भी उपकरण हो, हमारे बैसाखी हो, ट्राइसिकल हो या किसी भी थेरेपी की ज़रूरत हो, DDRC से विकास समिति को हमेशा मदद मिलती रहती है और जिला प्रशासन से हम लोग को हमेशा मदद मिलती रहती है। हम चाहते हैं कि जिला प्रशासन इसी तरह से दिव्यांग लोगों की मदद करते रहेंगे, ये दिव्यांग भी मुख्यधारा में जुड़ जाएंगे और एक सम्मानजनक जीवन जिएंगे। शिवसेना के छिंदवाड़ा इकाई की एक महत्वपूर्ण बैठक आज संपन्न हुई। प्राप्त जानकारी के अनुसार शिवसेना सांसद प्रकाश जाधव 5 अगस्त को छिंदवाड़ा प्रवास पर आ रहे हैं, जिसको लेकर संगठन स्तर पर तैयारियां जारी हैं। शिवसेना के नितिन राय ने जानकारी प्रदान करते हुए बताया। जय भवानी। शिवसेना सांसद प्रकाश जाधव जी का छिंदवाड़ा आगमन होने जा रहा है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए छिंदवाड़ा जिले की 7 विधानसभा क्षेत्र की चुनावी रणनीति तैयार की जा रही है। विधानसभा प्रभारी की नियुक्ति होगी और विधानसभा प्रभारी शिवसेना प्रत्याशी का चयन करेंगे। इन्हीं सब बातों को और इन्हीं सब विषयों को लेते हुए आगामी 5 तारीख को शिवसेना की महत्वपूर्ण बैठक छिंदवाड़ा में आएगी। सावन के महीने में भगवान शिव की आराधना का विशेष महत्व बताया गया है। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी शिव के भक्तों ने सावन में शिव की आराधना की शुरुआत पूरे हर्षोल्लास के साथ कर दी है। गुलाबरा बड़ा कुआं क्षेत्र स्थित शिव मंदिर में भक्तों ने रुद्राभिषेक का शिव पूजन किया। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी नगर की पावन हृदयस्थली छोटा बाजार श्री राम मंदिर में शिव भक्तों द्वारा सभी श्रद्धालुओं के लिए शिव पूजन के विशेष इंतजाम किए गए हैं। श्रावण सोमवार के अवसर पर आज शिवार्चन और रुद्राभिषेक कर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पुण्य लाभ अर्जित किया। इस स्थल पर प्राचीन पंचमुखी शिवलिंग एवं द्वादश अस्थायी शिवलिंगों का लगातार 28 अगस्त रक्षाबंधन तक प्रतिदिन नर्मदा जल से सहस्त्रधारा अभिषेक किया जाना है। Thank you.
बार अब इन तमाम खबरों को समेत देखते हैं सुर्खियां। अंत में एक बार फिर देखते हैं आज के हेडलाइंस को। महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार और बेटियों तथा नन्ही बच्चियों पर अनाचार की वारदातों के खिलाफ महिला कांग्रेस ने खोला मोर्चा, पुतना फूंक दर्ज कराया विरोध। मध्य प्रदेश लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ के निश्चितकालीन हड़ताल जारी, कर्मचारियों ने निकाली विशाल रैली, सौंपा ज्ञापन। माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षाओं के शुल्क को घटाने की मांग, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। और नमः शिवाय मंत्रों से गूंजे शिवालय, श्री राम मंदिर में पवित्र नर्मदा जल से हुआ सहस्त्रधारा रुद्राभिषेक। इस बुलेटिन में खबरों का सफरनामा फिलहाल यहीं तक था। आपसे जुड़ी खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए अनुमति, नमस्कार।